हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज आपसे बात करने वाला हूं मैं डुप्लीकेट टिकट्स को लेकर के। यदि आप कभी ट्रेन में ट्रैवल वगैरह करते हैं और आपका टिकट कहीं खो जाए तो इस केस में आप एक डुप्लीकेट टिकट को कैसे इशू करा सकते हैं एंड उसका क्या प्रोसेस है, क्या पैसे आपको देने पड़ेंगे, सारी आपके जितने भी सवाल हो सकते हैं उन सबको आंसर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर। पूरी वीडियोज़ को प्रॉपरली चैप्टर्स के अंदर जो है डिवाइड कर दिया गया है, तो आप कृपया करके बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आपको जो हिस्सा पहले देखना है, जो हिस्सा बाद में देखना है, आप प्रॉपरली शफल करके देख सकते हैं। बट मेरी आपसे हाईली रिकमेंडेशन है कि आप इसको वीडियो को एक सीरीज़ के अंदर ही जो है देखें, ठीक है। चलिए पूरे प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, भारतीय रेलवे के अंदर टिकट बुक कराने के आज के टाइम में दो तरीके बहुत ज़्यादा प्रिवेल करते हैं, एक ऑनलाइन है और एक ऑफलाइन आपका तरीका है। ऑनलाइन तरीके में आप जो है IRCTC का इस्तेमाल करते हैं, उनकी या तो वेबसाइट को यूज़ करते हैं या उनके बनाए हुए मोबाइल ऐप को आप जो है यूज़ करते हैं और उसके ऊपर अपनी जो है टिकट बुक करते हैं। अब रेलवे खुद कहता है कि अगर आप हमारी वेब ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको उनके प्रिंट्स वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, हम आपके फ़ोन पे SMS जो है भेजेंगे और उस SMS को टिकट चेकर को आप जो है दिखा सकते हैं एंड दैट SMS इज़ कम्प्लीटली वैलिड फॉर योर जर्नी। उस SMS को कोई भी TT आपको जो है डिनाई नहीं कर सकता कि हमें आप प्रिंट जो है दिखाई है। वही एक दूसरा ऑफलाइन तरीका आता है जहाँ पे आप जो है PRS काउंटर पे विजिट करते हैं, एक फॉर्म वगैरह जो है भरते हैं और फिर आपको जो है एक पर्चे वाला टिकट दिया जाता है, इसको भी दिखा करके आप जो है यात्रा कर सकते हैं। बट इस पर्चे वाले टिकट के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि क्योंकि रेलवे के अंदर 120 दिन पहले आपको जो है टिकट बुक कराना होता है, तो हो सकता है आपका टिकट कहीं मिसप्लेस हो जाए, खो जाए, गुम जाए, पानी लग जाए, बारिश में वो गीला हो गया, फट गया, कुछ हो गया, तो उस केस में आप उसको जो है नया कैसे इशू कराएंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको जो है ये बताया था कि आपको टिकट प्रिंट किस तरीके से करना है, इन दो ऑनलाइन तरीकों से। अगर आप अपना ऑनलाइन वेबसाइट से टिकट बुक कराते हैं या फिर अपनी मोबाइल ऐप को यूज़ करते हैं, तो अगर आप अपनी मोबाइल ऐप को यूज़ करते हैं तो बड़ा ही सिंपल है, आपको अपनी मोबाइल ऐप पर IRCTC पर लॉग इन करना है, आपने जो भी पासवर्ड सेट कर रखा है वो पासवर्ड वगैरह डाल करके आपको अपनी बुकिंग टिकट हिस्ट्री के अंदर जाना है और वहाँ से जा करके वहाँ पर पूरी लिस्ट आ रही होगी आपने कौन कौन सी ट्रेनों में टिकटें बुक कर रखी हैं, तो जिसको भी आपको प्रिंट निकालना है या फिर सेव करना है वो आप जो है सेलेक्ट करके प्रिंट PDF या फिर सेव टिकट, दोनों में से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जो है काम कर सकते हैं दोस्तों। एंड वेबसाइट से टिकट बुक करने का भी दोस्तों सेम ही प्रोसेस है, जिसमें आपको अपना जो है लॉगिन करना है, बुक टिकट हिस्ट्री में जाना है एंड जो भी टिकट आपको प्रिंट करानी है वहाँ पे सीधा प्रिंट बटन की कमांड दे करके आपको एक नई विंडो ओपन होती है जहाँ पे आप जो है अपना टिकट प्रिंट ईजिली कर सकते हैं सेव टू PDF करने के बाद। अब दोस्तों सबसे बड़ी समस्या आती है आपके ऑफलाइन वाले टिकट के साथ में, जो पर्चे वाला टिकट आप लोग जो है लेकर के आते हो कि दोस्तों वो खो जाए तो क्या करना है। अब रेलवे ने अपने इसके ऊपर कुछ नियम वगैरह बना रखे हैं, इसमें उसने कई सारे भागों में इन नियम को जो है बांट रखा है। सबसे पहला भाग यह है कि आपकी टिकट जो है खो चुकी है दोस्तों एंड आपकी ट्रेन का चार्ट नहीं बना है, चार्ट प्रिपेयर नहीं हुआ है, इस केस में आप स्टेशन मास्टर के पास जाइए, उनको अपनी समस्या का जो है बताइए, जिसमें आपको अपना PNR नंबर वगैरह बता पाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, और कुछ नॉमिनल चार्जेस लेकर के जो भी वो उनको सही लगेंगे वो आपसे वो एकदम बहुत कम पैसे जो है आपसे लेकर के आपको एक डुप्लीकेट टिकट जो है इशू कर देंगे। याद रखिए दोस्तों कि डुप्लीकेट टिकट इशू कराने के लिए आपको दोबारा PRS काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर जाना है स्टेशन मास्टर के पास, उस स्टेशन मास्टर के पास जहाँ से आपकी ट्रेन जर्नी जो है स्टार्ट होने वाली है। अब इसके अंदर एक और पॉसिबिलिटी बनाते हैं कि आपकी ट्रेन का चार्ट प्रिपेयर हो चुका है एंड अब आपकी टिकट खो गई है तो आपको क्या करना पड़ेगा। फिर से आपको वही स्टेशन मास्टर साहब के पास जाना है, उनको जो है रिक्वेस्ट करनी है, उनको जो है अपनी सारी प्रॉब्लम जो है बतानी है। अब की बार वो आपसे 50% ऑफ द फेयर अमाउंट चार्ज करेंगे एज फीस, एज अ एक्स्ट्रा पैसे डुप्लीकेट टिकट इशू कराने के लिए, बिकॉज यहाँ पर रिस्क बढ़ गया है। अब आप कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हो जो किसी, मतलब समझ रहे हो, आपने जानबूझ के टिकट खो दिया है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, आप एक रिस्क यहाँ पे जो है बढ़ गया, तो आपसे 50% ऑफ द कैंसिलेशन चार्ज जो है यहाँ पे लेंगे। वहीं अगर आपके पास एक RAC टिकट है तो आपको कोई भी डुप्लीकेट टिकट इशू नहीं किया जाएगा चार्ट प्रिपेयर होने के बाद में, इस चीज़ का आप जो है ध्यान रखिएगा। इसके अंदर भी रेलवे ने एक एक्सेप्शन दी है कि अगर आपके पास एक RAC टिकट है जो कि थोड़ा फटफटा सा गया, मतलब आपके हाथ में टिकट प्रेजेंट है लेकिन वो उसमें पानी लग गया है, गीला हो गया है, उसकी हालत एकदम पतली सी हो गई है, बट ओरिजिनल टिकट आपके हाथ में है, तो उस केस में 25% आपको पैसा देना पड़ेगा फेयर का और आप डुप्लीकेट टिकट अपना जो है इशू करवा सकते हैं। अगर आपने जो टिकट बुक कराई है वो 500 रुपये की है तो आपको कम से कम 125 रुपये जो है एज अ क्लरिकल चार्जेस यहाँ पर जो है देने पड़ेंगे। पर अब दोस्तों आप कहेंगे मैंने इतना सारा पैसा दे रहा हूँ ये क्या होगा, 50% ऑफ द अमाउंट वो जो है ले रहे हैं, यदि जो मेरी खोई हुई टिकट है वो वापस मिल गई तो रेलवे क्या करेगा।
तो रेलवे ने इसके ऊपर भी जो है एक नियम दिया है कि यदि आप एक डुप्लीकेट टिकट को जो है इशू करवाते हैं और इशू करवाने के बाद आपका जो ओरिजिनल टिकट था वो वापस आपको मिल जाता है, आपके हाथ में आ जाता है ओरिजिनल टिकट, एंड ट्रेन के डिपार्चर होने से पहले अगर आप ओरिजिनल टिकट वापस स्टेशन मास्टर के सामने प्रोड्यूस कर देते हो तो वो आपसे 5% ऑफ द फेयर और 20 रुपये जो भी इसमें से ज़्यादा होंगे उनको जो है चार्ज करेगा, वो जो है आपसे वो ले लेगा और आपको सारे पैसे आपके जो है रिफंड कर देगा। इसके अलावा किसी भी केस के अंदर आपसे जो डुप्लीकेट टिकट इशू करने के अंदर पैसे लिए गए हैं उसको वापस नहीं किया जाएगा। अब इसके अंदर एक और क्लैरिफिकेशन रेलवे ने क्या ऐड करी है कि मान लीजिए आप एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त टीटी आपको पकड़ता है फॉर योर लॉस्ट टिकट या आपकी टिकट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, कुछ भी बात है, एंड वहाँ आपको जो है एक डुप्लीकेट टिकट इशू किया जाता है, आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं डुप्लीकेट टिकट के लिए, चलती हुई ट्रेन के अंदर आप जो है चार्जेस पे कर रहे हैं, तो उस केस में इन्फॉर्मेशन के अभाव के चक्कर में या किसी और कारणवश वो टीटी आपसे इन नियमों से ज़्यादा अगर चार्ज कर लेता है तो आपको एक चिट्ठी लिखनी है CCM साहब को, चीफ कमर्शियल मैनेजर, इनको जो है आपको एक चिट्ठी लिखनी है, एंड अगर वो आपकी बातों से संतुष्ट हुए, उनको लगा, उनको ठीक लगा आपको रिफंड करना, तो आपको जो भी एक्स्ट्रा चार्ज आप किसी ने आपसे चार्ज कराया है वो आपको जो है वापस कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थी जानकारी यहाँ पे हमारी डुप्लीकेट टिकट्स को लेकर के। मुझे प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में कैसी लगी आपको, इस तरह की और वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। प्लीज़ कमेंट में बताना कि किस टाइप की और वीडियो आप देखना चाहते हैं, एंड इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।